सो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत शानदार सीरीज चल रही है अभी हम लोग पॉलिटी के मोस्ट टू हंड्रेड एमसीक्यू कर रहे हैं डेली हम लोग पच्चीस एमसीक्यू करते हैं और उसके बाद पच्चीस एमसीक्यू का कर रिविजन करते हैं यानी डेली हम लोग पचास एमसीक्यू कर रहे हैं टोटल आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे अच्छी तरीके से उम्मीद में यही करता हूँ सबसे पहले हम लोग पच्चीस एम करते हैं उसके बाद फिर दूसरे जो कल हम लोगों ने एम किए थे उनका हम रिविजन करते हैं जल्दी से जल्दी सो आप लोगों को मैं उम्मीद यह करता हूँ कि यह सेशन पसंद आ रहा होगा तो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग सेशन को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक अपने फ्रेंड्स तक और जितने भी नए साथी लोग जुड़ रहे हैं क्लास में जितने भी नए साथी लोग हैं आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं देखिये ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये जो सब क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं वो बहुत रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं ये बात मान लीजिए है ना और मैं ये बात मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और विगत सालों में मैंने तीन जो है मेंस दिए हैं दो इंटरव्यू दिए हैं उस अनुभव के बाद मैं बता रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सॉल्व करते चलो वाकई में आपको बहुत फायदा होने वाला है चलो तो शुरू करते हैं

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है बहुत अच्छे से शब्दों को समझना है बहुत अच्छे से कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है तभी हम इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सटीकता से दे पाएंगे पहली बात कह रहा है कि सर अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहा है माइनॉरिटीज के अधिकार की बात कर रहा है कौन सा अधिकार है शिक्षण संस्थानों की स्थापना यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश करने की बात कर रहा है और उनको एडमिनिस्टर यानी उनका प्रशासन करने की बात कर रहा है तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31। सो जैसे आप सब लोगों को पता है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में शैक्षणिक और जो है शैक्षणिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकार इसमें लिखे गए हैं सो so, यहाँ पे हम बात करेंगे लेकिन यहाँ पे दो बातें नोट करने वाली बात है ठीक है 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 कि कि आर्टिकल आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में डिफरेंस क्या है? देखो आंसर तो बिल्कुल सही है कि आप सभी लोगों ने आर्टिकल 30 आंसर बताया है लेकिन हमें यहाँ पे यहाँ तक नहीं रुकना है हमें सही उत्तर बताने के बाद भी हमें इस बात को देखना है कि ये सही सही क्यों है और गलत गलत क्यों है सो हमें इस तरीके से चीजों को समझना है है ना सो so, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि सभी के सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जितने भी नए साथी लोग हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें प्लीज है ना सो आइए सो हम बात करेंगे हाँ पे आर्टिकल आर्टिकल की सबसे पहले कि आर्टिकल 29 में क्या है और देन आर्टिकल थर्टी संविधान के अनुच्छेद थर्टी की बात करेंगे दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है सो so, अनुच्छेद नंबर ट्वेंटी नाइन याद रखना अनुच्छेद नंबर पहली बात तो याद रखेंगे ये सभी लोगों के लिए अधिकार है यानी सभी भारतीयों के लिए ये अधिकार है सभी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है ये ऐसा नहीं कि अकेले माइनॉरिटीज के लिए है सो so, माइनॉरिटीज के लिए याद रखना यह अधिकार यानी अनुच्छेद तीस जो है वो केवल और केवल, याद रखना माइनॉरिटीज के लिए है वेरी इंपॉर्टेंट चीज है केवल माइनॉरिटीज के लिए है ठीक है याद रखना केवल माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए है ग्रेट अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर ये बताओ ये अल्पसंख्यक जो है वो किस तरीके से हम काउंट करते हैं है ना और अल्पसंख्यक को किस तरीके से काउंट करते हैं तो याद रखना हम लोग अल्पसंख्यक दो आधारों पे देखते हैं दो आधार दो आधार हैं अल्पसंख्यक डिसाइड करने के लिए एक तो धर्म के आधार पे और दूसरा भाषा के आधार पे सो प्लीज नोट इट डाउन ये सवाल पूछा गया एग्जाम में दूसरी बात जब हम आर्टिकल ट्वेंटी नाइन की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि यह अधिकार सभी के लिए है और इसके लिए कौन सा अधिकार है सभी के लिए कि सर सभी लोग अपनी भाषा यानी अपनी लैंग्वेज अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति यानी अपना कल्चर और अपनी लिपि अपनी लिपि यानी अपनी, अपनी स्क्रिप्ट तीनों का संरक्षण कर सकता है और ये हर एक भारतीय का अधिकार है हर एक भारतीय मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नाइन के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आर्टिकल नंबर थर्टी की जब हम बात करते हैं

यदि आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्ले बनी हुई है पॉलिटी के मोस्ट टू हंड्रेड क्वेश्चन होगा आंसर होगा थर्टी ठीक है, है 30 30, सो ये गलत मार्क हो गया कोई दिक्कत नहीं अब देखेंगे नीचे दो दिए गए कथन नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए कहा गया है और दूसरे को आर यानी कारण को आर कहा गया है रीजन कहा गया है अब कथन और कारण यानी और रीजन में हम देख लेते हैं कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर नंबर यानी आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है सो अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा क्या यहां पे दी है तो आप बोलोगे सर अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में नहीं लिखी है याद रखना अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में नहीं लिखी है यानी माइनॉरिटी शब्द भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है माइनॉरिटी मेंशन किया किया गया है, किया गया है उल्लेखित है लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दी गई है बात बात याद रखेंगे ग्रेट दूसरी कह रहा संविधान के संविधान केवल भाषा और धार्मिक जो है अल्पसंख्यक वर्गों की मान्यता प्रदान करता है तो ये बात बिल्कुल सटीक है ये बात बिल्कुल सटीक है कि जो हमारे यहाँ पे दो प्रकार की दो प्रकार की जो है अल्पसंख्यक होते हैं मतलब दो आधारों पे अल्पसंख्यक एक तो भाषा और एक धार्मिक आधार पे हम अल्पसंख्यकता की बात करते हैं सो आंसर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो हो जाएगा हमारा हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आ... ठीक है। so क्या हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद तीस अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है तो बिल्कुल सही है और कारण भी सही है कारण भी सही है याद रखना दोनों बातें बिल्कुल सही है दोनों बातें पूरी तरीके से सही है दोनों बातें पूरी तरीके से सही है ठीक है

Heavious corpus. Heavious corpus का मतलब क्या होता है टू हैव द बॉडी बिल्कुल सही बात है टू हैव द बॉडी है ना टू हैव द बॉडी है ना उसके बाद कमांड है ना वीक अप इसको हम बोलते हैं बेसिकली पे आ, कमांड नहीं बोलते इसको हम क्या बोलते हैं परमादेश परमादेश को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से मैंडमस है ना तो यहां पे होगा मैंडमस है ना यहाँ पे लिखेंगे परमादेश यानी मैंडमस मैंडमस की बात हो रही है

गूगल ट्रांसलेट करता है तो थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हो जाती हैं ठीक है अब निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत बताएंगे सभी लोग परिवर्तित किए जा सकते हैं इनमें से वो कौन से अधिकार हैं जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं सो so, पे लिखा है संवैधानिक अधिकार यानी संवैधानिक का अधिकार मतलब क्या होता है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right,

आर्टिकल so, 32 के अंतर्गत केवल और केवल मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कि उसका एनफोर्समेंट किया जा सकता है, so, कराएगा? कराएगा है के संरक्षक के रूप में हम सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं हमसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल आसान तरीके से समझते चलना है

एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है तो आप बताओ है ना? और इसमें संविधान का अभिभावक माना जाता है इनमें से गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है संविधान का गार्जियन ऑप्शन so, हमारे पास है संसद महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राष्ट्रपति यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट सो आप सभी लोगों को पता है आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इज द करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है साथ साथ में याद रखना साथ साथ में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के साथ संविधान का भी संरक्षण करता है संविधान का भी ये गार्जियन है So, ये बात नोट डाउन कर लेना अच्छे से आंसर हो जाएगा सी मैं देख रहा हूं कि सारे के सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बिल्कुल सटीक आंसर दिया की तरफ देखते हैं question, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया अब देखो इनमें से बहुत सारे केस हैं है. इन इनमें बहुत सारे केस हैं है. इन इनमें से वो कौन सा केस है जिसमें संसद ने अधिकार दिया कि संसद को यह अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर, कर so, भारती राजनायण बनाम इंदिरा गांधी केस गोलखनाथ केस देखो तो गोलखनाथ केस में तो सीधा सीधा बोल दिया था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है। याद रखना सीधा बोल दिया था कि भैया मौलिक अधिकारों का, का संशोधन नहीं किया जा सकता है गोलकनाथ केस में ऐसा बोल दिया था लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा था कि संविधान में संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकते हो लेकिन आपको क्या देखना होगा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है यानी संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए सो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन केशवानंद भारती केस कब का है सर 1973 का केस है ठीक है सो आंसर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा ए फॉर अचीवमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए फॉर अचीवमेंट इज द चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं सो so क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया आपको पता होना चाहिए जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो मूल संविधान में यानी मुख्य संविधान में हमारे पास सात फंडामेंटल राइट हुआ करते थे सेवन फंडामेंटल राइट हुआ करते थे परंतु हमने क्या किया एक चवालीसवा संविधान संशोधन किया चवालीसवा संविधान संशोधन 1978 में किया और 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था यानी संपत्ति का अधिकार था तो संपत्ति के अधिकार को हमने क्या कर दिया मौलिक अधिकारों की लिस्ट से बाहर कर दिया और उसे हमने बना दिया विधिक अधिकार या फिर बना दिया लीगल राइट है ना उसे क्या बना दिया लीगल राइट बना दिया याद रखना सो so, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया सर ये ये आप बता दो तो ये 44th संविधान संशोधन के माध्यम से किया चवालीसवे संविधान संशोधन संविधान संशोधन के माध्यम से किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर फोर्टी फोर से किया नाइनटीन सेवेंटी एट की बात है और यहां पे याद रखना जनता पार्टी की सरकार थी जनता पार्टी की सरकार थी और इस समय पे देसाई साहब जो थे वो प्रधानमंत्री थे ठीक है ये याद होना चाहिए ग्रेट सो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट चलेंगे की तरफ। बहुत मोहब्बत से, से बहुत प्यार से हम लोग सवाल कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है देखो सारी बातें समझते चलोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा यदि ठीक मिल जाती है सही गाइडेंस मिल जाता है बहुत सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना वो गाइडेंस की होती है।, है ना सब कुछ लोग कुछ बता रहा है कुछ लोग कुछ बता रहा है इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई कोई समस्या है आप कॉन्टेक्ट करो बात करो लेकिन सिलेक्शन लो इसी साल

मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताओ वो कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं और वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों के लिए भी हैं वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों के लिए भी हैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको याद होना चाहिए ये सारी चीजें क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछा जाता है सो आपको मैं बता दूं यदि मैं पूछूं कि सर विदेशियों के लिए कौन से अधिकार हैं है ना तो विदेशियों के अधिकार की मैं बात करूं आप यहाँ पे लिखेंगे विदेशियों को हम एलियन बोलते हैं ठीक है तो एलियन के लिए कौन -कौन से अधिकार हैं है? तो याद रखना आप कुछ बाते क्या बातें याद रखना है कि सर आर्टिकल जो है पंद्रह आर्टिकल सोलह आर्टिकल पंद्रह आर्टिकल सोलह आर्टिकल उन्नीस आर्टिकल उन्तीस और आर्टिकल तीस को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार सारे के सारे मौलिक अधिकार विदेशियों विदेशी लोगों के लिए भी है याद रखना ये सारे सारे के सारे मौलिक अधिकार इनको छोड़ करके है ना विदेशियों को जो अधिकार है वो इनको छोड़कर लिख लो यहां पे, इनको छोड़कर है ना इनको छोड़कर तो इनको छोड़कर सभी अधिकार जो है सभी फंडामेंटल राइट सभी एफआर जो है वो क्या है विदेशियों के लिए है एलियंस के लिए है ग्रेट

लेकिन यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया केवल भारतीयों के लिए इसका तात्पर्य है वो विदेशियों के लिए नहीं है इसका तात्पर्य वो विदेशियों के लिए नहीं है तो वो कौन कौन से हैं तो बिल्कुल आपने अभी अभी लिखे थे तो आर्टिकल नंबर पंद्रह हो गया आर्टिकल नंबर सोलह हो गया आर्टिकल नंबर उन्नीस हो गया आर्टिकल नंबर उन्तीस हो गया और आर्टिकल नंबर तीस हो गया ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है केवल और केवल यानी ये अधिकार और किसी को नहीं है ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है सो प्लीज नोट इट डाउन ये बात जरूर याद रखना आप 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 ग्रेट ग्रेट मैं देख रहा हूं बहुत सारा बच्चा लोग 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 सभी लो कमेंट कर रहे हैं वाकई में सिलेक्शन के लायक हैं सभी लोग का सिलेक्शन होगा बस एक डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहो बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई आपको जो जरूरत है अपना भाई समझ के बताओ परेशान मत हो सिलेक्शन ले लो बस इतनी सी बात है यदि कोई मेरी हेल्प की जरूरत होती जरूर बताओ किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जरूर बताओ लेकिन जब तक तक आप मुझे बताओगे नहीं नहीं तब तक होगा कुछ नहीं है ना तब बताओगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा ना जब आप बताओगे मुझे तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा इसीलिए बस सिलेक्शन के लिए प्रतिबंधित हो जाओ जो भी दिक्कतें हैं आप मुझे बताओ शेयर करो सिलेक्शन लेना है इस बात में कोई भी रोड़ा हम नहीं आने देंगे इतनी बात हमसे सुनिश्चित करा लो आपकी जिंदगी में अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि सर हमारा टारगेट है बीपीएससी यूपीपीएससी इवन यूपीएससी तो अब आपकी जिंदगी में रोड़ा नहीं आएगा इतनी बात हम सुनिश्चित कर सकते हैं लेकिन बस आपको चाहना जरूरी है यदि आपने चाह लिया कि सिलेक्शन लेना है तो हम सब पूरी कायनात जो है आपके सिलेक्शन में पूरी मेहनत लगा के काम करेंगे आइए हम बात करते हैं आगे सो ये याद रखना केवल और केवल भारतीय लोगों के लिए ये अधिकार है ये केवल और केवल भारतीय लोगों के लिए अधिकार है आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा याद रखना राइट टू तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना राइट टू तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्योंकि ये विदेशियों के लिए नहीं है ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है आर्टिकल 19 में ये बात की गई है ग्रेट शुरू करते हैं भारतीय संविधान मान्यता देता है अभी देखो सवाल आ गया भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटीज़ को तो अभी अभी मैंने आपको बात बताई है कि सर यहाँ पे केवलो को केवल केवल, और केवल दो प्रकार के है ना केवल, और केवल दो प्रकार के आपको माइनोरिटीज को यहाँ पे मान्यता दी गई है केवल और पे, केवल दो प्रकार की माइनोरिटी वो भी धार्मिक पे और भाषाई पे है ना सो so, धर्म के आधार पे माइनोरिटी में तो नहीं है कोई भाषा के आधार पे माइनोरिटी में तो नहीं है कोई बस हम इस बात का ध्यान रखते हैं सो माइनोरिटी हम दो आधारों पे चेक करते हैं प्लीज नोट इट डाउन तो आंसर क्या हो जाएगा धार्मिक और भाषाई आधार पे यानी सी फॉर कमिटमेंट सी फॉर कैरियर आंसर हो जाएगा सी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक और दंडित नहीं किया जा सक जाएगा अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए हैं है? है? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि सर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी उसे दोहरी अप, दोहरी दोहरा दंड नहीं दे सकते आप, उसे दो बार सजा नहीं दे सकते एक ही दंड के लिए। सो संविधान के लिए, संविधान किस अनुच्छेद में बात आपको पता है अनुच्छेद नंबर की और अलग अलग प्रकार की जो छह स्वतंत्रताएं हैं वो इसमें शामिल है अनुच्छेद नंबर बीस की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद आपके लिए, लिए सुविधाएं दी गई है कुछ आपको बचाव दिए गए हैं आर्टिकल बीस में इसमें तीन प्रकार के बचाव हैं इसमें तीन देखो मैं क्या बोल रहा हूं ये ज्ञान वाली क्लास है ये बातों वाली क्लास नहीं है बातों वाली क्लास अभी मैं नहीं कर रहा हूं वो कभी और करेंगे हम लोग क्योंकि अभी ज्ञान ले लो बस सिलेक्शन ले लो इनसे मैं बता रहा हूं दो सौ एमसीक्यू होने वाले हैं पॉलिटी पॉलिटी के इसमें पूरी का निचोड़ रहेगा आ, आने वाले समय में दूसरे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के भी 200 क्वेश्चन होंगे उसमें पूरे का निचोड़ होगा तो 200 क्वेश्चन बस कर लो आपकी नैया पार हो जाएगी मैं बता रहा हूं सो यहां पे बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 20 में तीन प्रकार की तीन प्रकार की बातें की गई हैं क्या क्या बात बोली पहली बात बोली सर नो एक्स पोस्ट फेक्टो यानी कि सर पूर्व विधान का जो यानी जो भी अपराध जिस समय पे किया गया है उसी समय पे जो कानून है उसके हिसाब से आपको सजा दी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि आज आपने सजा आज आपने कोई अपराध किया और आने वाले समय में कोई नया नियम परिवर्तन हो जाता है तो उस सजा के उस नियम के हिसाब से आपको सजा मिलेगी जी नहीं आज के दिन के हिसाब से सजा मिलेगी, आज के के से सजा मिलेगी। क्योंकि आज जो कानून था उस दिन आपने जो है अपराध किया

उन्होंने बोला था अपवाद है अपवाद में यह है कि कोर्ट मार्शल को और जो डिपार्टमेंटल सजाएं हैं आपको मिल रही है डिजास्ट, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिल रहा है उसको हम सजा मानेंगे ही नहीं उसको सजा मानेंगे नहीं न्यायालय आपको दोहरी सजा नहीं दे सकता बस इतनी सी व्यवस्था की गई है ठीक है सो यहां पे एक बात हो गई उसके बाद एक और बात बोली कि आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है ऐसी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल नंबर 20 में लिखी है। शानदार। जिंदाबाद इसके भी मैंने अप, अपवाद बताए थे इसके भी मैंने अपवाद बताए थे कि सर इसमें आपका मान लो जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति क्राइम कर देता है, है ना तो उसका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है उसका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है उसका जो है रेटिना टेस्ट किया जा सकता है उसकी बायोलॉजिक बायोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जा सकती है बिल्कुल ली जा सकती है आपके पास जो बिलोंगिंग्स है आपका मान लो लैपटॉप है उसमें आप बड़ी सी प्लानिंग कर रहे थे किसी को कांड कोई कांड करने की वो भी आपका लिया जा सकता है और फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने तो मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स ले ली और आप बोल रहे हो कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने का अधिकार नहीं आपको ये अधिकार है कि आप अपने बात रखो आप बोलो बिल्कुल मना कर दो कि नहीं मैंने काम किया ही नहीं लेकिन ये सब चीजें सबकी सब चीजें सब जो है ये कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती हैं, ठीक है? याद रखना। so, अब उसके बाद जीवन जीने के अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है वहीं पे आर्टिकल 22 टू क्या कहता है ये बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिटेंशन की बात है ना नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल ट्वेंटी अब बता दो इसका सिक्वेंस जो भी व्यक्ति बता देगा तो समझ जाऊंगा हाँ तो तो आपको मैंने तुरंत बताया था कि सर यहाँ पे क्या है आपको मैंने बताया था 1967 में गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का केस होता है इसका आपको पता ही होना चाहिए यह केस कब होता है सर यह केस हो रहा है आपका 1973 में है ना 1973 में मिनरवा मींस केस कब हो रहा है सर मिनरवा मींस केस की बात करें है ना तो ये हो रहा है 1980 में अब आप देखो इतनी इंफॉर्मेशन मान लो आपके पास है तो भी आप काम कर सकते हैं है ना इतनी इंफॉर्मेशन है यदि आपके पास तो भी काम कर सकते हैं ठीक है देखेंगे कैसे अब देखो अब एक गोपालन केस भी वैसे आपको बता दूं ये कब का है 1951 का है. ठीक है अब आप देख सकते हो अब आराम से लगा लोगे लो आप में आपका ए रहा है डी के बाद ए इसी में आ रहा है उसके बाद बी हो जाएगा यानी केस बनंद भारती केस हो जाएगा उसके बाद सी हो जाएगा तो कितना प्यार से आंसर आ गया है, है ना कितना इतमान से आंसर आ गया सो आंसर हो जाएगा हमारा डी ए बी सी

प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो एक तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना यानी विधि के सम्यक जो है प्रक्रिया सो दोनों शब्दों को अच्छे से समझना है बहुत आसान है और यहां से सवाल पूछे जाते हैं सो बिल्कुल सही बात है आंसर तो आप लोगों का आर्टिकल 21 हो जाएगा लेकिन दोनों चीजों को समझना जरूरी है जैसे ही मैं बोलता हूं कि प्रोसीजर समझना अच्छे से देखो यहां पे आप जो थ्योरी की बात करते हो ना पूरी थ्योरी भी साथ साथ में समाहित की जा रही है है ना? So, procedure established by law. ये पहली बात तो याद रख लो, हमने लिया कहां से है जापान से लिया है। लिख लो बेटा सभी लोग ये कॉन्सेप्ट हमने जापान से लिया है दूसरी बात हम बात बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया वो अमेरिका से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमने अमेरिका से लिया है यूएसए से लिया है सो so पहली बात तो बेसिक बात इतनी याद रखना क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है उसके आगे की क्या बात लिखनी है आपको कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है सरल शब्दों में समझना है क्योंकि केआर सुमन सर आपको सरल शब्दों में बताते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है कि कानून बनाया गया कानून बनाए जाने की प्रक्रिया है वो सही होनी चाहिए क्योंकि प्रोसीजर by law, जैसा के द्वारा, जैसे के द्वारा प्रोसेस बताई गई है कानून वैसे बनना चाहिए अब वो कानून अच्छा हो या बुरा हो कानून का उद्देश्य ठीक हो या सही हो इस बात पे बात नहीं करता है, वो। वो इतनी बात करता है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ठीक होना चाहिए ये, ये और कहा से लिया जापान से लेकिन जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं जो अमेरिका से लिया है इसका मतलब यह है कि कानून बनाने की प्रक्रिया तो ठीक है लेकिन कानून का इंटेंशन ठीक होना चाहिए उसका मकसद ठीक होना चाहिए कानून का मकसद ठीक होना चाहिए अब उत्तर इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास राइट टू लाइफ है जीवन जीने का अधिकार आपके पास है बहुत बढ़िया जीवन जीने का अधिकार है लेकिन हम आपको जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं हम सुबह से लेकर शाम तक आपको बढ़िया बढ़िया फल खिला रहे हैं बढ़िया बढ़िया आपको मिठाइयां खिला रहे हैं खूब सेवादार कर... अ... सेवादारी कर रहे हैं आपकी लेकिन साथ साथ में हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं तो चार डंडे मारते हैं फिर दस बजे फिर हर दो घंटे में दस बीस डंडों का प्रावधान है आपको मारने का अब ये बताओ कि क्या ये जो जो चीज है क्या है जो चीज है इसमें जीवन तो आप जी रहे हो लेकिन क्या इसमें आप डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हो क्या आप अपने जीवन को उच्च स्तर पे जी रहे हो तो आप बोलोगे जी नहीं भले ही आपको खाना मिल रहा है लेकिन लाइफ तो नहीं है आपकी इसी तरीके से मान लो आपको जेल में डाल दिया जाए और आपसे मच्छर से कटवाया जाए और मैं बोलूं कि आपको जीवन का अधिकार मिल तो रहा है क्योंकि आप जिंदा हो ठीक है तो यहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन गोपालन केस में किया गया

वो तो ठीक है तो है ही लेकिन आपको विधि का सम्यक सम्यक विधियों की प्रक्रिया होना होना चाहिए चाहिए यानी कानूनों का इंटेंशन भी ठीक बात इतनी सी है बातें क्लियर हो रही तो एक बार शेयर कर, कर लें आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है so, संबंधित दोनों चीजें थी चलेंगे से कौन सा एक सही है इसमें पूछा विच ऑफ द अब ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना करेक्ट आप सुनेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं अब ये मौलिक अधिकारों में आ गए क्या ये बताओ मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सो अधिकार क्या है अधिकार क्या है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे जी नहीं ये तो नागरिकों के दावे हैं अधिकार वे विशेषाधिकार के संविधान में समाविष्ट हैं देखेंगे अभी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं बहुत हमारा है। हमारा उत्तर उत्तर मिल मिल गया हमें। हमारा उत्तर हमें मिल गया हमें हमें है है ना उसके बाद अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार बिल्कुल भी नहीं आंसर क्या होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन है ना तो जिस भी साथी ने सी ऑप्शन सोच रहा है समझ रहा है इसका मतलब उसके अंदर तर्क शक्ति भी आ गई है

न्याय को सुनिश्चित करने का इनका मेन काम है न्याय ठीक है और इसका महत्वपूर्ण काम क्या है सर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और कल्याणकार कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई यही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है मेरे प्यारे साथियों जितने भी क्लास देख रहे हैं आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तुरंत है ना जिसने भी अभी नहीं किया है सो ये बात हुई

सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दूसरी बात आपको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिटल तो आपको याद होना चाहिए इसके बारे में कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिटेट पॉलिसी है, है, है ना इसके बारे में एक बात याद होना चाहिए ये कैसे है इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात याद होना चाहिए कि सर दे आर नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नॉन जस्टिसेबल पार्ट यानी गैर वाद योग्य है इनको यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप जाकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हो केस नहीं कर सकते हो कि सर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा है ऐसा आप नहीं कर सकते हो या फिर एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना है इसके बारे में डीपीएसपी के बारे में कि

जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है आर्थिक धार्मिक किसी भी एक धर्म का धार्मिक राज्य स्थापित नहीं करना हमें क्योंकि वी आर द सेकुलर कंट्री वी आर द सेकुलर कंट्री और हमारा ऐसा उद्देश्य हो ही नहीं सकता है, है ना एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना यस है ना ये उद्देश्य है तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है कौन सा उद्देश्य नहीं है और यदि आप प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो मैक्सिम बच्चे क्या करते हैं गलत करते हैं क्योंकि उनने जैसे ही देखा कि डीपीएसपी का उद्देश्य उन्हें उद्देश्य शब्द पकड़ा और डीपीएसपी पकड़ा और ऐसे ही उन्होंने लगा दिया तुरंत कल्याणकारी राज्य की स्थापना क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं था कि उसमें लिखा है कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है सो मेरे प्यारे भाई बहन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जब भी प्रश्न को पढ़ें तो बहुत सटीकता से पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें बहुत बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें मैं बता रहा हूँ जब पेपर में आप जाओगे यदि आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लिया तो कम से कम तीन से चार क्वेश्चन और चार से पांच क्वेश्चन तो आप ऐसे ही ठीक करके आ जाओगे सो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

क्योंकि यह कोर्ट में जस्टिसेबल है ही नहीं कोर्ट में वाद योग्य है ही नहीं तो यह किसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा है इस प्रकार से हमारा तो तो क्वेश्चन नंबर 92 92 पे चलते हैं भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है भारत एक कल्याणकारी राज्य है ऐसी व्यवस्था कहां पे की गई भारत के संविधान में भारत की संविधान की प्रस्तावना में की गई है मौलिक अधिकारों में की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है सो so देखो भारत भारत एक कल्याणकारी राज्य है सो so ऐसी व्यवस्था कहां पे की गई याद रखना ऐसी व्यवस्था दो जगह की गई है एक तो हमने संविधान की प्रस्तावना में व्यवस्था की है और दूसरी जो व्यवस्था की वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कैसे आप बोलोगे कैसे जब हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा था तो आपको याद होगा उसमें हमने बोला है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करना है बोला था साथ में हमें अपने देश में समानता स्थापित करना है है ना सामाजिक न्याय की बात हो रही कि नहीं हो रही हमें अपने देश में स्वतंत्रता स्थापित करना है यानी सामाजिक न्याय की बात हो रही कि नहीं सो इस प्रकार से हम बात करेंगे तो यहां से आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट दोनों में ये बात की गई है

नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हम इनके उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते हैं ठीक है सो so आंसर क्या हो जाएगा नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब यहां पे मैं एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जोड़ना चाहूंगा साथ में ये आप लोगों के साथ आर्टिकल 38 संविधान का आर्टिकल 38 क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 38 याद रखना हमारे संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉरी हमारे जो डीपीएसपी है हमारे डीपीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है थर्टी एट इसे क्या बोला जाता है की 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 आर्टिकल आर्टिकल या फिर स्टोन ऑफ डीपीएसपी क्योंकि इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है क्योंकि इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपल ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करना है यह इसका उद्देश्य है अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो वाद्योग नहीं है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी

डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक समाजवाद है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये याद रखना है आपको लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका तात्पर्य क्या होता है कि सर यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक यानी सरकारी और जो है प्राइवेट दोनों सेक्टर यहाँ पे साथ साथ में ग्रो करेंगे दोनों सेक्टर साथ साथ में काम करेंगे ये मतलब होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ठीक है सो so, हमारे देश में सोशलिज्म है समाजवाद है हमारे यहाँ पे पूंजी पूरी तरीके से पूंजीवाद नहीं है और पूरी तरीके से पूंजीवाद हावी ना हो जाए है ना क्योंकि पूंजीवाद का एक ही उद्देश्य होता है संविधान तो में एक बयालीसवा संविधान संशोधन किया गया <coughs> और इसके अंतर्गत एक आर्टिकल डाला गया आर्टिकल नंबर फोर्टी ए और इसमें बोला गया कि जो इंडस्ट्रीज हैं जो उद्योग हैं उसमें उसमें उसकी जो प्रबंधन होगा उसका जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट होगा उस में यहां के वर्कर्स वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए workers की देखो भाई बहुत मैं बता रहा हूं कि इतनी क्रिस्पी क्लास शायद मतलब होते नहीं आपने देखी होगी अच्छी बात है लेकिन हिसाब से मुझे लग रहा है ना

और आर्टिकल नंबर 51 में बात की गई है कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करनी है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात करनी है अंतरराष्ट्रीय नियम और कानून है उनका सम्मान करना है ये बात की है आर्टिकल 51 में आर्टिकल 51 में तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो विदेश नीति है वो यहां से आर्टिकल 51 से ही उद्भव इसका उद्भव होता है या उसी से हमारा ड्राइव है ना उसी से हमारा प्रेरित है ग्रिज चलेंगे चलेंगे, बहुत बढ़िया अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ने so, मानव के दुर्व्यापार so, और बलाम का प्रतिषेध यानी कि सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को रोकना है क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप बोलोगे नहीं सर ये आर्टिकल ट्वेंटी में है और ट्वेंटी फंडामेंटल राइट में होता है मादक पेय मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि और औषधि प्रयोजनों के भिन्न उपयोग का प्रतिषेध यानी जो ड्रग्स है दारू है ये सब जो है ना इन सब को क्या करना है जो जहरीले पदार्थ हैं इन पे रोक लगाना है तो ये बात बिल्कुल सही है और ये बात कहाँ पे की गई संविधान का जब आर्टिकल फोर्टी पढ़ोगे तो आप यहाँ पे ही मिल जाएगी सो इस तरीके से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है लेकिन पहला वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है पहला वाला फंडामेंटल राइट है

सो so, इसीलिए शुरुआत में ये जीरो थे शुरुआत में जीरो थे लेकिन 1976 में कितने हो गए दस दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उसके बाद हमने दो हजार में 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा मौलिक कर्तव्य जोड़ा ठीक है मौलिक कर्तव्य जोड़ा कौन सा याद रखना कौन सा कर्तव्य जोड़ा मौलिक कर्तव्य के तौर पर जो भी छ जो भी पेरेंट्स और गार्जियन है उनका बच्चा यदि छह साल से लेकर के चौदह साल का है तो उन पेरेंट्स और गार्जियन की जिम्मेदारी की वो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर मुहैया कराए ये हमारा उद्देश्य है है ना सो so ये आर्टिकल हमने जोड़ा आर्टिकल नंबर 51 सब क्लॉज ए सब क्लॉज के में जोड़ा हमने ये ग्रेट इतनी हमारी बातें हो गई उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि सर मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं ठीक है

अखंडता संप्रभुता को हमें बना के रखना है तो ये बात कहाँ पे की गई संविधान के उद्देश्य में राज्य के नीति निर्देश तत्वों में मौलिक अधिकारों में या मूल कर्तव्य में सो बिल्कुल सिंपल है आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है ना आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य सो ये थे हमारे पूरे के पूरे अभी देखो सौ क्वेश्चन तो हो गए हैं आने वाले जो सौ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले जो सौ क्वेश्चन है ना वो आपका गेम चेंज करने वाले हैं है ना बहुत महत्वपूर्ण सो ये आज नहीं आएंगे आज तो हम रिवाइज करेंगे <coughs> सो रिवीजन कल वाले क्वेश्चन का फटाफट करेंगे तेजी से करेंगे समय कम लगाएंगे इसमें <coughs> सवाल कह रहा है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान में कौन सी अनुसूची संशोधित करनी पड़ेगी मैंने आपको बताया था दो अनुसूची संशोधित करनी पड़ेगी यहाँ पे अनुसूची नंबर नंबर और 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 अनुसूची है है ना तो एक और चार है ना सो करनी पड़ेगी ऑप्शन में हमारा दिया दिया है या एक दिया है या देख लेंगे तो तो दिया है ए डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के समय पे कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी थे बहुत सिंपल क्वेश्चन है चौदह राज्य थे और छह यूनियन टेरिटरी थे कल आपने क्वेश्चन किया था क्विक रिवीजन हम लोग बात कर रहे हैं किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली लिखना तो है है आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया अभी लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है सभी लोगों को ठीक है जो मैं बताऊंगा ठीक है तो सिक्सटी नाइन संविधान संशोधन के माध्यम से याद रखना उसके बाद सिक्किम को राज्य कब बनाया गया तो यहाँ पे सिक्किम एक राज्य के तौर पर में संविधान संशोधन में एक सहयोगी राज्य बनता है और 36 में संविधान संशोधन में जो कि उन्नीस में होता है वहां पे क्या बन जाता है ये याद रखना ये पूर्ण राज्य बन जाता है ठीक है उन्नीस है सॉरी यहाँ पे है ना उन्नीस और ये उन्नीस सौ चौहत्तर ठीक है सो पूर्ण राज्य उन्नीस में बनता है

तो आपको पता है आंध्र प्रदेश को बनाया गया था उन्नीस में उन्नीस में हम क्विक रिविजन कर रहे हैं भारत में नागरिकता को निम्नलिखित भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत भारत में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है है ना ये हमारा आंसर था यह आंसर था यदि कल वाली क्लास आपने देखी होगी तो बहुत आसान लग रहा होगा सब कुछ भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है मैंने बोला था कि भारतीय बैंकों में धन जमा करने से भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है।, बल्कि मैंने यहां पे एक आपको ट्रिक थी, है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो क्या करेगा तो है ना तो मैंने बोला था कि यदि वो अपनी नागरिकता परित्याग कर देगा यानी रेनसिएट कर देगा स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा

निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक के नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है तो मैंने बताया था पार्लियामेंट और संविधान का आर्टिकल नंबर ग्यारह था तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट चलेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है तो इसमें सही बताना है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कहा पे बात की गई थी तो ये बात की गई थी याद रखना नेहरू रिपोर्ट में उन्नीस मौलिक अधिकारों के बारे में और ये उन्नीस की रिपोर्ट है और नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है याद रखना मोतीलाल नेहरू साहब से संबंधित है ठीक है So, मोतीलाल नेहरू से संबंधित है ये पहली बार हमने संविधान बनाने की कोशिश की थी ये भारतीय लोगों का पहला प्रयास था अब चलेंगे आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई तो किसके पास अधिकार है याद रखना

है ना आप ये समझो ना कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा आप लोग घर पे तो कर नहीं पाते लो लो हैं राज्यकृत के विरुद्ध राज, राज गारंटी है और संविधान के भाग तीन में है बिल्कुल सही है सो यहाँ पे बात की गई उसके बाद समानता का अधिकार संविधान देखो इनके बारे में कल डिटेल में चर्चा की थी मैंने बार बार बोल रहा हूँ है ना संविधान का अधिकार संविधान का अधिकार जो है

अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर तेरह का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है तो मैंने बोला था आर्टिकल जो थर्टीन व... है वो बेसिकली मौलिक अधिकारों की जो है मौलिक अधिकारों की जो है सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है ग्रीट नेक्स्ट बात करते हैं भारत के संविधान में भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों में कौन कौन है तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे मानव देह का व्यापार और जो है कारखानों में खदानों में बच्चों का जो है नियोजन इनके ये जो है किसके अंतर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है बाद बाकी ये दोनों के दोनों क्या है ये आपके अलग अलग ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और ये शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान का निम्नलिखित में से 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 कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है है so ये आर्टिकल 19 आप सब लोग को बहुत से पता है, बहुत पता प्यार से, आप लोग जानते है इस है कि हम, अपने अपने हम, हम फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं अपने घरों पर निजी भवनों पे ये अधिकार हमें कहां से मिलता है तो संविधान के अनुच्छेद

मृत्यु दंड को मौलिक अधिकार नहीं बताया है याद रखना ठीक है उसके बाद इट इज द लास्ट क्वेश्चन है ना सो so, मैं अभी आप लोगों से चाहूंगा कि इस प्रश्न का सभी के सभी लोग इतमान से इस प्रश्न को देख लें और जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को सभी लोगों से मेरी आशा है कि आप सभी के सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में ठीक है सो so, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी अच्छी लग रही तो आप अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाओ शानदार तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत कर रही है है ना पूरे पॉलिटी के आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को भी हम करेंगे यदि आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और एप्लीकेशन की और एप्लीकेशन पर आप देखोगे कि फिफ्टी फीस में ऑफ चल रहा है तो आप तुरंत जाकर के डाउनलोड करो ऐप और वहां से आप कोर्स को परचेज करके क्लास ले सकते हो लाइव क्लास थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत